यानी अगर यहां पर आप देख रहे हैं तो इसमें मैंने दिखाया है, इसमें मैंने दिखाया है कि किस तरीके से ये जो बाउंड्री थी सेल्स की, इसको आपने कहा कि दीज आर द ट्रोपोब्लास्ट सेल्स हैं ये, और इसके अंदर ये जो सेल्स हैं दिस इज कॉल्ड एज अ इनर सेल मास, और इनर सेल मास के वो वाले सेल या बेसिकली ट्रोपोब्लास्ट के वो वाले सेल जो बेसिकली इनर सेल मास से कनेक्टेड है, दैट इज नोन एज अ सेल्स ऑफ रिवर। और इसके अलावा ये जो स्पेस बाकी है, ये यहाँ जो स्पेस है, दैट स्पेस इज नोन एज अ ब्लास्टोसील। तो इस स्पेस को आपने नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लास्टोसील। इसके बाद अगर देखा जाए तो अब नेक्स्ट डायग्राम में, नेक्स्ट डायग्राम में अगर देखा जाए तो ये तो रहा ट्रोपोब्लास्ट सेल्स वही वाले, दैट इज अ ट्रोपोब्लास्ट सेल्स हुए। और ट्रोपोब्लास्ट सेल्स के अलावा अब अगर देखें यहां पर, दीज आर एपिब्लास्ट सेल्स, यानी इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट हुआ है दो तरीके के सेल्स में। तो ये जो सेल्स हैं दे आर नोन एज एपिब्लास्ट सेल्स, इनको आपने नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एज अ एपिब्लास्ट सेल। और एपिब्लास्ट सेल के अलावा यहां पर भी एक और सेल्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपोब्लास्ट सेल। तो दीज आर हाइपोब्लास्ट सेल है, दीज आर हाइपोब्लास्ट सेल। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये वही कैविटी है जिसका नाम था, यही वाली कैविटी है, दैट इज अ ब्लास्टोसील, दैट इज अ ब्लास्टोसील कैविटी है ये। इसकी बात करें तो दिस इज द ट्रोपोब्लास्ट सेल्स। दैट इज अ ट्रोपोब्लास्ट सेल्स। इसके बाद आते हैं अब हम नेक्स्ट डायग्राम पर, यानी इसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम है कि अभी तक आपने देखा कि इनर सेल मास अनडिफरेंशिएटेड था, लेकिन बाद में ये इनर सेल मास डिफरेंशिएट हुआ है, दैट इज अ हाइपोब्लास्ट सेल में और एपिब्लास्ट सेल में। लेकिन अब क्या होता है ये देखना है। तो ऑब्वियस बात है कि ये रहा आपका ट्रोपोब्लास्ट की लेयर, ये रहा ट्रोपोब्लास्ट लेयर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये रहे एपिब्लास्ट सेल्स, और इसमें अगर देखा जाए तो ये रहे हाइपोब्लास्ट सेल्स। ये रहे हाइपोब्लास्ट सेल्स, और इसके अलावा ये क्लियर है। इन सेल्स की लेयर देखा जाए तो ये कहलाते हैं एमनियोजेनिक सेल्स, दीज आर कॉल्ड एज एमनियोजेनिक सेल्स हैं ये वाले। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो दैट इज एन एमनियोटिक कैविटी मौजूद है, दिस इज एन एमनियोटिक कैविटी, ये वाली जो अब नई कैविटी बन गई है दैट इज एन एमनियोजेनिक सेल्स की वजह से।
और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये वही सेल्स हैं, डेट इज एपिब्लास्ट सेल। इसके बाद इसकी देखा जाए तो दिस इज अ हाइपोब्लास्ट सेल, दिस इज ट्रोपोब्लास्ट सेल्स, और अगर यहां पर देखें तो दैट इज अ ब्लास्टोसील, दैट इज अ ब्लास्टोसील कैविटी है ये। यहां तक अगर आप देख पा रहे हैं तो देख लीजिए, यहां पर एक बार दोबारा से देख लीजिए इन सारी चीजों को, कि यहां पर मैंने कहा कि पहले डायग्राम में अगर आप देख रहे हैं तो सीधी सी चीज ये दिखाई है कि यहां पर दो तरीके के सेल्स डिफरेंशिएट हुए, एक था इनर सेल मास और एक था ट्रोपोब्लास्ट सेल्स। इनर सेल मास जो है फर्दर डिफरेंशिएट हुआ दो टाइप के सेल्स में, दैट इज अ हाइपोब्लास्ट सेल्स और एपिब्लास्ट सेल। हाइपोब्लास्ट सेल और एपिब्लास्ट सेल जब बना तो इसके साथ साथ यहां पर जो स्पेस थी जिसके अंदर ब्लास्टोसील मौजूद था, ठीक है, यानी ब्लास्टोसील है ये, तो ये रहा ब्लास्टोसील वाली कैविटी। इसके बाद अगर देखा जाए तो एपिब्लास्ट सेल्स के आगे एमनियोजेनिक सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, और एमनियोजेनिक सेल्स का जब फॉर्मेशन हुआ है तो यहां पर एमनियोटिक कैविटी मौजूद हुई है, एमनियोटिक कैविटी फॉर्म हुई है, ठीक है। और एमनियोटिक कैविटी बनने के बाद अगर देखा जाए तो ये रहे एपिब्लास्ट सेल्स, और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये रहे हाइपोब्लास्ट सेल, एंड देन ये थे ट्रोपोब्लास्ट और बाकी ब्लास्टोसील ये रहा। नेक्स्ट आइए, दैट इज आर डी वाले डायग्राम पर, इसके बाद वाले डायग्राम पर। अगर अब आप देखते हैं यहां पर तो अगेन ये ट्रोपोब्लास्ट सेल्स की लेयर ये आ गई, और यहां पर देखा जाए दिस इज एन एपिब्लास्ट सेल, और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये रहे हाइपोब्लास्ट सेल्स, ये रहे हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं ये वाले। हाइपोब्लास्ट सेल के अलावा अब अगर देखा जाए तो यहां पर एंडोडर्मल सेल्स ऑफ यॉर्क सैक बन गए, तो ये जो सेल्स बने हैं अंदर की तरफ तो इन ये नए सेल्स यहां पर ऐड हो रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया दैट इज एन एंडोडर्मल सेल। एंडोडर्मल सेल्स ऑफ यॉर्क सैक, एंडोडर्मल सेल्स ऑफ यॉर्क सैक। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर ये जो है ये वाला यहां पर भरा हुआ है, दैट इज द प्राइमरी यॉर्क सैक, दिस इज द प्राइमरी यॉर्क सैक। और अब अगर देखा जाए तो यहां पर दैट इज एन एमनियोजेनिक सेल्स हैं ये वाले, दैट इज एन एमनियोजेनिक सेल्स हैं ये वाले। यहां पर अगर देखा जाए तो दिस इज एन एमनियोटिक कैविटी, दैट इज एन एमनियोटिक कैविटी है, दिस इज अ एपिब्लास्ट सेल,
और इसकी बात करें तो दिस इज द हाइपोब्लास्ट सेल, दैट इज एन हाइपोब्लास्ट सेल। और ये था आपका प्राइमरी योक सैक। तो यहां तक उम्मीद है शायद कुछ चीजें समझ में आई होंगी कि यहां पर एक नए सेल्स ऐड हुए, दैट इज एन एंडोडर्मल सेल्स ऑफ योक सैक। ठीक है, इसके बाद एक और डायग्राम आता है नेक्स्ट वाला। इसके बाद ये डायग्राम है, दैट इज एन ई वाला। These are epiblast cells. These are hypoblast cells. और ये वाले cells आपके endodermal cells of York sac हैं, ये वाले। और तो इसको लेबल कर लेते हैं, दैट इज अ एंडोडर्मल सेल्स ऑफ योक सैक। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि यहां पर एक और लेयर का फॉर्मेशन ये हो गया है। तो अब अगर देखा जाए तो इसको हमने नाम दिया, दैट इज एन एमनियोजेनिक सेल्स। दीज आर एमनियोजेनिक सेल्स हैं ये। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये है ट्रोपोब्लास्ट सेल्स, दैट इज ट्रोपोब्लास्ट सेल्स है ये। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये वाली यही कैविटी है जो ऊपर दिखाई गई है, ये वाली, दैट इज एन एमनियोटिक कैविटी। तो दिस इज द एमनियोटिक कैविटी। इसके बाद अगर बात की जाए तो दिस इज द एपिब्लास्ट सेल्स। इसकी बात करें तो दिस इज द हाइपोब्लास्ट सेल। और अगर देखा जाए तो ये प्राइमरी योक है, दिस इज प्राइमरी योक सैक है ये। यानी अब अगर आप देख रहे हैं यहां पर, तो यहां पर एक और चीज ऐड हुई है कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एंडोडर्मल सेल्स और योक सैक, एंडोडर्मल सेल्स ऑफ योक सैक और ट्रोपोब्लास्ट के बीच में काफी स्पेस बढ़ गया है, काफी ज्यादा स्पेस बढ़ गया है। और ये जो स्पेस बढ़ा है, इस स्पेस का नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म।
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कहलाता है, ये दैट इज कॉल्ड एज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये वाली जो दोनों लेयर्स है, ये वाली ट्रोपोब्लास्ट के और इसके बीच में जो लेयर मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है ये। इसके बाद अगर एफ डायग्राम पर आते हैं हम लोग, यानी ये हो गया ई, तो इसके बाद आ गया अब एफ डायग्राम। इस एफ डायग्राम में अगर देखा जाए This is a amniogenic cells की layer है ये, this is epiblast cells, और this is hypoblast cells, और hypoblast cells के बाद में ये रहे आपके endodermal yolk sac, that is an endodermal cells of yolk sac, so these are endodermal cells of yolk sac, और इसकी बात करें तो दिस इज एन एमनियोजेनिक सेल्स है ये, दीज आर एमनियोजेनिक सेल्स। और इसकी अगर बात की जाए तो दिस इज अ एमनियोटिक कैविटी, this is the amniotic cavity, इसके बाद बात करें तो this is the epiblast cells, this is epiblast cells, ये पहले ही बता चुका हूँ endodermal cells of yolk sac। इसकी अगर बात की जाए तो this is, अब ये कहला रहा है यहां पर मैंने कहा कि this is the secondary yolk sac, That is a secondary yolk sac कहलाता है, कहला रहा है। और अब अगर देखा जाए तो ये वाला, अब अगर देखा जाए तो दिस इज एन एमनियन, ये वाली जो लेयर हो जाएगी अब अगर दिखाई जाए तो ये वाली जो लेयर है दिस इज कॉल्ड एज एमनियन, इसको आप कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज एमनियन। और इसके बाद अगर आप इस लेयर की बात कर लें, इस लेयर की, तो ये कहलाएगा कोरियन, दिस इज कॉल्ड एज कोरियन।
और अब अगर देखा जाए तो ये सेकेंडरी यॉक हो गया था, ये एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट ये वाले हो गए, दैट इज अ हाइपोब्लास्ट सेल, दीज आर हाइपोब्लास्ट सेल। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये वाला हो जाएगा आपका, दैट इज अ सेकेंडरी योक सैक, एक इसकी और बात करते हैं अब हम लोग। That is called as, ये जो मैंने dotted दिखाया ये वाला, that is called as splenchnopleuric, pleuric extra embryonic mesoderm, embryonic mesoderm और अगर आप इसकी बात करें तो दिस इज द इस वाले की, दैट इज अ सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो अब अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो ये जो लेयर है, दोबारा से इस डायग्राम को देख लीजिए कि किस तरीके से इस डायग्राम में दिखाया है। मैंने कहा कि यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर सबसे पहले दिस इज अ एमनियोजेनिक सेल्स हैं, ये वाले एमनियोजेनिक सेल्स हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए तो दिस इज एपिब्लास्ट सेल्स, और उसके अलावा ये वाले हैं दैट इज अ हाइपोब्लास्ट सेल्स, और इसकी बात की जाए तो दिस इज एन एंडोडर्मस सेल्स ऑफ योक सेल, योक सैक है, दिस इज एन एंडोडर्मस सेल ऑफ योक सैक। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज, ये कहला रहा है डेट इज अभी रहने दीजिए, डेट इज अ सेकेंडरी योक सैक पर आ जाइए, दिस इज इसके अंदर जितना योक भरा है डेट इज अ सेकेंडरी योक मौजूद है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये सेल्स कहलाते हैं एंडोडर्मस सेल्स ऑफ योक सैक, और ये वाली जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज स्प्लेंचनोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये वाली, ये जो मैंने डॉटेड दिखाई है, इसके अलावा ये एक्चुअल में मेसोडर्म है पूरा का पूरा, ये भी मेसोडर्म, यहां से लेकर अगर देखा जाए तो मेसोडर्म यहां से लेकर यहां तक पूरा मेसोडर्म है। अब अगर मेसोडर्म आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, तो इस मेसोडर्म को भी मैंने दो लेयर्स में डिवाइड किया कि मैंने कहा कि एक जो है वो एंडोडर्मल सेल्स ऑफ योक सैक के नजदीक में है मेसोडर्म, और एक ट्रोपोब्लास्ट के नजदीक में है, बेसिकली दिस इज द ट्रोपोब्लास्ट। तो जो ट्रोपोब्लास्ट के नजदीक में मेसोडर्म है दैट इज कॉल्ड एज सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और जो बेसिकली इस एंडोडर्मस सेल्स ऑफ योक सैक के आसपास में है मेसोडर्म, तो दैट इज कॉल्ड एज स्प्लेंचनोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई। इसके बाद आइए नेक्स्ट डायग्राम पर।